अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोबारा से हाज़िर हूँ मैं एक नए पार्ट के साथ। कराची के सफ़र पर रवाना हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। ये आई थिंक सो के ट्रेन में पानी भरा जा रहा है, ट्रेन की टंकियाँ फुल की जा रही हैं। ये भाई साहब छत पे चढ़े हुए हैं और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप किधर जा रहे हैं? आप किधर जा रहे हैं? ना मोबाइल चार्ज करवाने जा रहा हूँ, नीचे कराची जाना तो बैटरी लो हो जानी है और हमारे मोबाइल। अच्छा, ठीक हो गया। और ताकि वो ना हमारी ट्रेन भी अल्लाह का करम है, चार्जर वाला नहीं कोई मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, यार ये चार्जिंग की दुकान मिल जाएगी मोबाइल चार्ज करवाने? नहीं पता आपको? इनको भी नहीं पता। आइए आगे, इनसे पूछते हैं। आइए सामने, क्या दुकान है देखिए भाई, यहाँ से चार्जिंग वाली दुकान किधर है? हमें तो मिल नहीं रही। ये इनसे पूछते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोबाइल चार्ज करवाना था, लगाया है, थोड़ी देर लगाया तो लाइट चली गई है, बाकी लगा लो। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? लाइट चली गई तो फिर कहाँ से लगाया हमने? चेक कर लो, अगर आपका चल जाऊंगा। चल चलो जाके इलाज करो। हमारा कहाँ से चलेगा जब आपका नहीं चल रहा? शायद आपका चल जाए। हमारा गोंदा मोबाइल है, दिखाओ। ये मोबाइल है, ये चल जाएगा? ये वो लाइट होगी तो बीड़ी चलेगा ना? शायद आपका चल जाए। ये भाई बोल रहे कि लाइट चली गई है, ठीक है, और आप अपना मोबाइल चार्ज लगा ले, ठीक है। मैं क्या यार, लाइट चली गई तो हम अपना मोबाइल कैसे चार्ज लगाए? ठीक है, चार्ज तो होगा नहीं। नाज़रीन स्टेशन पे ये हाल है कि बैटरी बिल्कुल भी लाइट बिल्कुल भी नहीं है और फोन चार्ज लगाया हुआ है और हमें भी कह रहे हैं कि चार्ज लगा ले। एक्साइटमेंट ब्रो, एक्साइटमेंट। लाइट लाइट अभी हम बात कर रहे थे कि लाइट नहीं है, तो ये लाइट आ गई है स्टेशन पे। स्टेशन पे यही झंझट है भाई, अंकल लगा रहे हैं कि लग गया लग गया। अंकल साथ नहीं चमर जाएगा? नाज़रीन, ये लाहौर जंक्शन का जो है कैफे है, जहाँ पे हर चीज तो मिलती है लेकिन दुगनी कीमतों पर। पैसा ही पैसा हो गया। ये यहाँ पे टैक्सीज इतने ज्यादा लगे हुए हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते। तो नाज़रीन, ये जो ब्लू ब्लू सा शेड देख रहे हैं आप, ये कोई भी लाइट नहीं है। ये बस इन्होंने फाइबर लगाया हुआ है और नेचुरल लाइट को ब्लू कलर में ये कन्वर्ट कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपको आसिम भाई ने बताया कि हम अभी मेन लाहौर के स्टेशन में खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये साथ ये भी बता रहे थे कि ये लाइट है, ये कुदरती लाइट है, ठीक है। इन्हें कोई लाइट नहीं लगाई, कोई बिजली नहीं है, ये कुदरती सूरज की लाइट है। और अब हम आपको ना लोगों से मिलाते हैं, ठीक है, लोगों से बातचीत करते हैं और उनका ख्याल जानते हैं। क्या हाल है? ठीक है, तबीयत कैसी है? और ये लाहौर जंक्शन पे आपको काम करते हुए कितनी देर हो गई? मुझे सर 10 साल हो गए। आपको 10 साल एक ही स्टेशन पे हो गया, इतनी देर में तो बंदा बहुत आगे पहुंच जाता है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? आप यहाँ पे जॉब करते हैं या आपका अपना कैफे है? हम जॉब करते हैं। हाँ, आपको 10 साल यहाँ पर जॉब करते हुए हो गए हैं। जी जी, और क्या क्या आपने वैरायटीज रखी हुई है, जरा हमें कोई गिनवाएंगे? हमारे पास पिज्जा है, जिंगर बर्गर, ब्रोस्ट, बिरयानी, फास्ट फूड, हर चीज है, देसी में हर चीज है। अच्छा, आपके पास हर चीज है और ये आप कितनी देर में रेडी करके ले आते हैं? 12 मिनट में। जी, 12 मिनट में। और इस कैफे का नाम क्या है? रेल का बाना। रेल का बाना जी, जब भी आप लाहौर जंक्शन पर आए तो रेल का बाना इनको ऑर्डर करें और ये इनका मेन्यू है, आप जरूर जो है वो इसको टेस्ट कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त रेट प्राइस है इनकी जी। बहुत शुक्रिया जी, हमें अच्छा लगा। ओके सर, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि वो बंदे को 10 साल हो गए हैं रेलवे स्टेशन पे नौकरी करते हुए। 10 साल में इंसान अपना बेहतरीन किस्म का बिजनेस कर सकता है। एक नौकरी करने वाला बंदा अगर सेविंग करे और सेविंग करके उसको किसी अच्छे बिजनेस में लगाए तो बिना शुबा वो एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकता है और अपने फ्यूचर को स्टेबल कर सकता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूं।
लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। बजाय जाके रेलगाड़ियों में मांगने के कि चलो आप क्या खाना पसंद करोगे या ये करो वो करो, बर्गर है पिज्जा है, इस तरह का मेन्यू लेके घूमने से सारा दिन जो उसको खुआरी होती। भाई यहाँ पे दो तीन ट्रेन खड़ी हैं और हम लोगों का अभी त्राह निकल गया था वीडियो बनाते कि भाई ट्रेन निकल गया, लेकिन अपने वाली हमारी वीडियो भी खराब हो गई, अपने वाली ये खड़ी है। और नाजरीन ये स्टेशन के नीचे का हाल है और देख लें आप ये कितना गंदा गंदा नहीं धोया अभी नहीं है का सही निजाम होना चाहिए। देखो कितनी गंदगी है नीचे, ये वो डिब्बे हैं जो चाइना इस्तेमाल करके फारिग कर देता है और रूढ़ी पे फेंक देता है, रूढ़ी पे फेंक देता है और ये टीन के भाव पाकिस्तान उठा लेता है, बल्कि फ्री में ही दे देते होंगे चाइना वाले। लिखा हुआ है bookme.pk, आपकी वेबसाइट सर्च करो और देखो